मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र के प्रहरी बनने का प्रयास करते हैं। बड़ा अनुभव है, संविधान की ज्ञाता भी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मणिपुर में जदयू के 5 विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जवाब पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबका प्रयास तथा अंत्योदय के सिद्धांत पर चलने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी है। वह सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास की पक्षधर है। भाजपा के इन सिद्धांतों से प्रभावित होकर यदि मणिपुर में जदयू के 5 विधायकों ने भाजपा में शामिल हुए हैं तो यह लोकतंत्र का हनन कैसे हुआ। नीतीश जी कहते हैं किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को अपनी तरफ लेना लोकतंत्र का हनन है तो वो खुद को और लालू जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शायद उन्हें भूलने की आदत हो गई है क्योंकि आज की पीसी में नीतीश कुमार जी के बगल में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी खड़े थे तो वे कहां से आए हैं यह भी उन्हें याद दिलाना होगा। और हाल ही में नीतीश कुमार जी के सहयोगी तेजस्वी यादव ने AIMIM के 4 विधायकों का अपनी पार्टी राजद में विलय कराया तो क्या वो सही था। पूर्व में उन्होंने दर्जनों विधायकों को लोजपा से बसपा से कांग्रेस से राजद से तोड़ा तो क्या वह सब पुण्य का काम था। दरअसल प्रधानमंत्री बनने की लालसा में लगता है कि नीतीश कुमार जी अब अपने हिसाब से राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने लगे हैं जो कि इनके थके हारे दोहरे चरित्र की ओर इंगित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन कर सरकार बनाते हैं, बाद में गठबंधन तोड़कर नया गठबंधन बनाते हैं। मुख्यमंत्री तो यही रहते हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री बदल जाते हैं। क्या यह सब संवैधानिक है? ये अपनी सब सुविधा अनुसार बयान और पाला दोनों बदलते रहते हैं जो ना तो राजनीति के लिए शुभ है और ना ही बिहार की जनता के लिए। जनता आने वाले वक्त में इनसे इसका जवाब जरूर लेगी। नीतीश जी का जनाधार लगातार घट रहा है। 2010 में वे 115 पर थे, 2015 में 70 पर आए और 2020 में 43 पर आ गए। 2025 में यह आंकड़ा इकाई में रह जाएगा। बिहार की जनता को ना उन पर विश्वास रहा और ना जन प्रतिनिधियों को। वह उनका विश्वास हासिल करने के बजाय दिन रात भाजपा को कोसने में लगे हैं। उन्हें इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं, वह सिर्फ दीवा स्वप्न देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र के प्रहरी बनने का प्रयास करते हैं। बड़ा अनुभव है, संविधान की ज्ञाता भी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा अंत्योदय के सिद्धांत पर चलने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी है। वह सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास की पक्षधर है। भाजपा के इन सिद्धांतों से प्रभावित होकर यदि मणिपुर में जदयू के 5 विधायकों ने भाजपा में शामिल हुए जो हमारे ही कार्यकर्ता थे जो गठबंधन में साथ चले और अपने घर आपस आ गए तो लोकतंत्र का हनन कैसे हुआ। नीतीश जी कहते हैं कि किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को अपनी पार्टी या अपने तरफ लाना लोकतंत्र का हनन है तो वो खुद लालू प्रसाद जी और अपने आप पर परस चिन्ह लगा रहे हैं, अपने को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं। शायद उन्हें भूलने की आदत हो गई है क्योंकि आज की पीसी में नीतीश कुमार जी के बगल में बिहार के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी जी भी खड़े हैं तो वो कहां से आए हैं, उनके साथ 5 MLC कहां से आए थे, यह भी उन्हें हमें याद दिलाना होगा। और हाल ही में नीतीश कुमार जी के सहयोगी तेजस्वी यादव जी ने AIMIA के 4 विधायक को जो उनके समर्थक थे उनके सहयोगी थे क्यों तोड़कर मिला ले, जिसमें उनकी भी भूमिका थी, राजद में विलय कराया गया, क्या वह सही था। पूर्व में उन्होंने दर्जनों विधायक को लोजपा से बसपा से कांग्रेस से राजद में सम्मिलित कराए, उनको तोड़े, क्या यह सही था? क्या लोकतंत्र के ये प्रहरी के रूप में रक्षक के रूप में काम कर रहे थे? दरअसल प्रधानमंत्री बनने की लालसा में लगता है कि श्री नीतीश कुमार जी
अब अपने हिसाब से राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने लगे हैं, जो उनके थके हारे दोहरे चरित्र की ओर इंगित करता है। ये अपनी सुविधा बयान और पाला दोनों बदलते रहते हैं सुविधा के अनुसार। राजनीति के लिए ये कतई शुभ नहीं है और बिहार की जनता के लिए शुभ है। जनता आने वाले वक्त में उनसे इसका हिसाब जरूर लेगा। श्री नीतीश कुमार जी का जनाधार लगातार घट रहा है। 2010 में वे 115 विधायक के नेता थे, 2015 में वो 70 पर आए, 2020 में 43 पर आ गए और 2025 में वो शून्य पर खड़े रहेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी ही विलय हो जाएगी राजद में, लोग रहेंगे ही नहीं और बहुत सारे लोग तो अभी ही इनके दल छोड़कर जिस दल ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, सड़क से सदन से सड़क तक लड़ा, चारा चोर खजाना चोर के लाठी को खाया, अपना पसीना और लहू बहाया, कई लोग शहीद हुए, सभी लोग, सभी समाज के लोग थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उस समय संघर्ष नहीं किए थे, आप दिल्ली में मंत्री थे, आए हवाई जहाज से उतरे, नेता बने, बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, फिर हवाई जहाज चढ़े और जाके मंत्री बन गए। 2005 तक फिर लड़ाई लड़ते रहा भारतीय जनता पार्टी, फिर आए आप, आपको नेता बनाया, आप पर विश्वास किया और आपने जहां से गाड़ी चली थी, जहां से अराजकता, उस अंधेरी गुफा से बिहार को निकाला था, वही गाड़ी ले जाकर के अंधेरी गुफा के आगे खड़ा कर दिए और अंदर जाके बड़े भाई के साथ मिलकर गलबहियां कर लिए। बिहार की जनता पूछती है, क्या लोकतंत्र का ये हनन नहीं है? गठबंधन किसी से, सरकार किसी से, सरकार बदलते रहे लेकिन आपका चेहरा नहीं बदले, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठे रहे, कोई भी सिद्धांत को तिलांजलि देना पड़े, कोई भी शर्त मानना पड़े, क्या 2013 में जिसके साथ आपने सरकार बनाया, 2017 में आपने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, इनके भ्रष्टाचार का जवाब नहीं है और उसी बात को लेकर के आप हटे थे, क्या वो भ्रष्टाचार का मामला समाप्त हो गया? क्या उसका जवाब आ गया और आज फिर जाके गलबहियां कर लिए? बिहार की जनता आपको बड़ी विनम्रता से पूछ रही है, क्या लोकतंत्र का ये हनन नहीं है? क्या ये गांधी जी के वो सात पाप सिद्धांत के बिना राजनीति पर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? क्या यही है सिद्धांत की राजनीति? क्या यही है बिहार की जनता का चौमुखी विकास का सपना दिखाने का नारा? पूरे देश के अंदर बिहार को आपने जिस तरह से शर्मसार किया है, बिहार की जनता भी पूछ रही है कि बिहार के लोकतंत्र में आपके जैसे लोग बरसों तक याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता को जिस अराजकता की ओर आप धकेल दिए, जो वातावरण आपने बनाया है, कभी माफ नहीं करेगा।